अथ श्री बृहस्पतिवार वर्त कथा बृहस्पति देव की कथा। अथ श्री बृहस्पतिवार वर्त कथा। ओम वासुदेवाय नमो नमः। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याव बनाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, जो निर्धन अपनी कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकती उनका विवाह करा दो। ऐसे और कोई काम है जिनके करने से तुम्हारा अश्लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लिपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, ए दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाई को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली, कोई कहो दासी क्यों गई थी। रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो
हम व्रत ही की तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनका से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का अश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका अश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए, इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था, एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, ए लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ, यह देख कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी याद दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनका लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वाले परिणियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति की देव की पूजा का सम्मान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ
भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए। और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि ए दासी, देख राजा तो हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद जो तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह नीचे कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, सब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया। और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक चार हैरिये आज जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोड़ का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बिल उठ खड़ा हुए और तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज
प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, ऐ भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा, वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि ए बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, ए भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, ओ वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसे गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे कि जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावनाएं पूर्वक भावनापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थे, उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वह स्नान ना करती थी, किसी देवता का पूजन ना करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे वो बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जो सवन के सो के जो जाते लौटते समय उनको बीन कर ले घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था, इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया।
राजा को इस बात का पता चल लगा तो अपने प्रधानमंत्री मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा और कारण हो, सो कहो, मैं तो वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह वैसे ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को भी सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी दुर्वस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेवा आओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी की ये प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। ओम जय बृहस्पति देव, जय बृहस्पति देव, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा,
सकल मनोरथ दायक सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी परम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो नीचे पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। सब बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।